हरे कृष्णा। दयाकरी आम गौरकल्पतरु चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन उपरे क्लिक करूँ जहाँफल आप प्रत्येक नूतन भिडर अपडेट प्रथम पाइपर। हरे कृष्ण। आम देखु बेले बेले कि स्टूडेंट मैंने आमको प्रश्न करती प्रभुजी आम मन बेस विचलित हो कौन पाई? ना प्रभुजी बहुत भल पाठ पढ़ी आर सांग मो सहित पढ़ुला कि मो भे भल पाठ एत भल मार्क रखनी किंतु ताकु जॉब हो गला मत जॉब हो आगे देखी मोर माँ बापा मत कमेंट कर देखे तोर क्लासमेट ताकु चाकरी हैला तते चाकरी हैलानी तो मुझे चिंता करुचे अरे मुझे एत भल पाठ पढ़ुली मोर तो सी क्लासमेट थिला माने मु बहुत प्रयास करी फिर भी मोर कहीं सक्सेस होनी किसी निश्चय प्रॉब्लम अच्छे तो मते ताकु देखिले आ मु मो मन मन चिंता कले मत खराब लगुच प्रभु मुझे ये बहुत डिस्टर्ब हो जा बहुत चिंताग्रस्त लगुच जे देख मोड़ आगरे पिलाड़ा मो आगे मो सांग से एत भल पाठ पढ़ुन सी चाकरी पाईला आ मत चाकरी होनी तो यही दुखरे मत बेले बेले डिस्टर्ब लगुच तो कौन करी प्रभु जी बेस चिंता लगुच तो मुझे उत्तर देली जे शुण चिंता कर तुम्हें निजे चिंता कर तुम कर्मर फल तुम भोग करा कर्मर फल सी भोग कर कौन ना ता कर्मरे लिखाई जे चाकरी कर बाहा हबो तापर घर द्वार कर पिला छुआ कर तार ये जीवन अच्छे ता भाग्य सेठी लिखाई से सही भाई हम आमें देख तुम के भाग्यवान जे तुम्हें चाकरी हुए तो हलानी तुम तो संसार कर्मचारी गोटे चाकर हलनी किंतु भगवान ये तुम चाकर हाँपी सुजोग पाइल किसी दिन तो तुम्हें समय मिलने मंदिर को आस हरिनाम जप कर पार साधुसंग हरिकथा श्रवण करी तुम कि आत्मकल्याण होमें बर्तमान आम भितर आत्मा अच्छी नलेज तुम अच्छे तुम सांगर अच्छी किए से कहला ना तो फिर भी प्रभुजी मोर मनटा टे बहुत डिस्टर्ब हो प्रभुजी कौन करी कहना तो मुझे दुटा श्लोक कहली बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आम शास्त्र में एत सुंदर कोट गुटाक रही है जे गोटे मनीषर गोटे सरल भाव में तार सब प्रकार संदेह दूर होते सुंदर श्लोक मुझे श्लोक पाठ कर चाहूँगी बहुत सुंदर श्लोक आम पुराण मान लिखा जाइए न दाता सुख दुखानाम न च हर्तास्ति कश्चन सकृतान्येव भुंजन्ते दुखानि च सुखानि च सेठी कह जाऊँ न दाता सुख दुखानाम न च हर्तास्ति कश्चन ए संसार रे दुईटी जिनस किए क्या दे पारेनि किए क्या नहीं पारेनि कौन ना सुख आ दुख ये कह नदाता नदाता सुखानाम दुखानाम न च हर्तास्ति कश्चन ना किए क्या संसार दुख दे पार ना किए क्या संसार दुख नहीं पार दाता माने दे पार हर्षति हर्तास्ति माने किए नहीं पार किए हरण करे नहीं पार आम बेले बेले कहूना प्रभु ये लोकटा मत मो जीवन एत दुख देखे मुझे भूली पार मो जीवन बेत मानने भितरे गार पड़ जाइए ये लोकटा प्रति ये बहुत दुख देखे मत कि शास्त्र कौच न दाता सुख दुखानाम ना किए दुख दे पार तुमको ना किए आम बेले बेले भावचे तुम्हें जान ये मत के सहयोग कर सुखर दुखर के मोर हेल्प करे मत के सुख दे अरे सी सुख दौनी सी गोटे मध्यम जे भगवान ताकू तुम पाखे रखी जहाँफल सी तुमको कि सहयोग कर तुम्हें पूर्व जन्म के सहयोग कर सी तुमको सहयोग कर तुम्हें जो भाव ये मत बहुत कष्ट मुझे भूली पारे तुम्हें पूर्व जन्म से कष्ट जहाँफल सी तुमको दौर तो ये कह दाता सुख दुखानाम न च हर्थास्ति कश्चन किए तुमको सुख भी दे पारे कि दुख भी दे पार कि किए चाहिए तुम सुख कि दुख हरण भी कर पारे एवं देखू आपण को ज्वर हो कि कौन सी प्रकार कष्ट होपण गुड़ किए के छड़े नहीं पार्छे आप अनुभव कर आज मुझक डक्टर पाक जाती एतिक टाँगा बांधिली से मोर दुखटा से मोर दुखटा को कष्टा को जन व्यक्ति को देदेले आ मु पूरा मुक्त होली से कौन सी डॉक्टर ये पाने कौन सी वैद्य ये पाने कि किए भी कर कौन सी गुणी तांत्रिक भी शिक्षा नहीं तुम कष्ट काढ़ आज जन भितर पूरा हो भाई किसी ना आम बेले बेले भाबू जो मो माँ
एत बयस एत दुख भोग कर दुख देखे मुझे तार दुख जाक टे मत किए पार था कि मुझे नहीं जाती मत दुख लगुच फिर भी आम के आम दुख देखुचे कि जनकर दुख नहीं पारे आम जड़े दुखे थवर अनुभव करचे कि आम तार कि मानने कि हेल्प कर पारने आ जे सुखर थवर देखुचे आम भी किसी सुख भी खिणिक आनी पाने कि सुख भी झिकी आनी पाने किंतु बेले बेले कौन हुए ना अगर सुख देखे आम भितर ज्वलन हुए अरे मुझे अच्छी सी कहीं सुख भोग कर गोटे अमुक व्यक्ति मत कहीं मिलूनी ताको कहीं मिलूँ तो आम बेले बेले ईर्षा द्वेषर पूरा भासी जाऊ तो ये ताकू सेठी से श्लोक तले लाइन रे भगवान कहते जे सकृतान्व भुंजते सकृतान्व निजर कर्म द्वारा तुम्हें भोग कर कौन ना दुखानीच सुखानीच तुम्हें से सुख दुख संसार रे केवल निजर कर्म द्वारा भोग कर यहाँ अन्य कौट आसवना ये संसार रे सब जिनस गुड़ाक गोटे इको आप देखु गोटे पर्वत एरिया को जी से आपड़ हालो कहले मैंने से इको आस पहुँच हालो आउ थे इको सुन आस रिटर्न होने कानून बाज आप मत किए कहला आपन किए कहला आप मत किए कहला मुझे गोटे थर कह आउ थे मत टे समय पर कहीं शुभला आप नक्सा कर देखिए इको आपको कह जाए इको सिस्टम गला पहाड़े पर्वत बाजिला सी आउ थे इको हो फेरला से भाई संसार कर्म आम जहा जहाँ कर्म करचे संसार पुणी थे भगवान हिसाब रखिले जमराज हिसाब रखिले तार तु ये कर्म करचु तते से कर्मर फल भोग कर पड़ो तो भगवान कहा माध्यम सेटा आपन को देबे किमिदी ना से तुम हृदय अच्छा परमात्म रूप से आम कौचे ना साक्षी रूप से हृदय अच्छे सब देखुं टिकनिक कर देखुं तो से जो साक्षी रूप से हृदय अच्छा से निश्चित सब देखुं आ देखुं से निश्चय आम देवे से कर्मफल आम दौरान आ ये शास्त्र प्रमाण आपको किए काटिपर शास्त्र वाक्य किए काटिपर तो शास्त्र में यही श्लोक अच्छे न दाता सुख दुखानाम न चहर्तास्ति कश्चन न कृतान्व भुंजते दुखानीच सुखानीच ए संसार किए क्या दुख दे पारे कि किए कार दुख को नहीं पार कि किए क्या सुख दे पार कि कार सुख को हरण कर सब कौन ना ए सब हूँ निजर कर्म द्वारा भोग होता है तेणुक आम देखिक कौन भाया उचित मुझे पिला कहली देख चिंता करनी सीए ता जन्म से कर्म करभोग कला तुमर एवं समय आसनी तुमर के समय आस तुम हेल्ले गोटे चाकरी मिल हूँ तुम ता बड़ चाकरी कर पार सी इंजीनियर तुम डॉक्टर हो पार ना साइंटिस्ट हो पार किए जानी से बहुत जिनस आम आग पछ विचार करलेज तुम स्कूल कलेज कौन शिक्षा ना शिक्षा पद्धति ना कि आम शास्त्र पढ़ु आम जापे सब जिनस किभली प्राप्त हुए कौन हुए गीतार भगवान कही दे प्रत्येक कर्म कर किंतु फल प्रति आशा रखनी कर्मणी बाधिकारस्ते माँ फलेश कदाचन हे अर्जुन तुम कर्म कर चल फल तुम चिंता करनी से देवी मुझे तुम ताभोग कर तो आम कौन कर्म करचे से भगवान जानते आँ फल देवे सी जानते आम पाप कले तार फल रही आम पुण्य कले तार फल रही ए कर्मर प्रतिक्रिया को किए खंडन करंडन हो पार ना से आम बेले बेले लोक कहते देख रे मो जीवन रे केते पाप करना कौन ये गरीब होली मो पाखे किसी संपत्ति ना मत कि मिलूनी जो काम करो जब खोजुच मत कि मिलूनी जब मिलूनी कि मु का सहित बिजनेस कले मुझे पाने कि पाने मो जीवन टा कौन इमित आगे हाँ आज्ञा आप जीवन से भाई आगे ही थी पारे आप कर्म करते आपड़ी मिल गोटे श्लोक कह शुणु ध्यान रे कर्मणा धनर्बालोको दैन्य युक्त स्वकर्मणा कर्मणा सत्कुटुंबी च कर्मणा बंधुकंटका ये कह कर्मणा धनवान लोक निजर कर्म द्वारा जन धनी होता है दैन्य युक्त स्वकर्मणा से दरिद्र भी होता है निज कर्म द्वारा कर्मणा सत्कुटुंबी च से निज कर्म द्वारा भल कुटुंब परिवार पाई च कर्मणा कर्मणा बंधुकंटक सी निज कर्म द्वारा यह बंधु प्राप्त कर सब कंटक जंत्रण दे तो ये सब कौन ना शास्त्र कह तुम कर्मर फल तुमको मिलूँ शास्त्र आउ गोटे सुंदर उदाहरण अच्छी आप नदी देखी
ଯେତେବେଳେ ନଦୀ ସୁଅରେ ପାଣି ବହି ବୋହି ଯାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି କାଠିକୁଟା ଗୋଟେ ତଡ଼ରେ ଯାଇକି ଏକଠା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ସୁଅ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ହେଲା ସେତିକି କାଠିକୁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବେ ସେତିକି ଭିତରେ ଏଠୁ ଯେତିକି ଯାଇଥିବେ ସେଠି ସେତିକି ରହିବେନି, ଦୁଇ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା କେତେଟା କିଛିଟା ବାହାରିଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ପଳେଇବେ, ସେଇଠି ରହିଯିବେ କିଛିଟା, ଆଉ ଥରେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଥରେ ବିଛୁରିତ ହୁଏ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଇକି ଏକଠା ହେଇଯିବେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ସଂସାର ରୂପକ ନଦୀର ସୁଅରେ ବହି କରି ଆମେ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କାହାର ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି କେଉଁଭଳି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଏଇଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଥିଲେ କେଉଁ ଗାଁରେ, କାଲିକି ପଳାଉଛେ କେଉଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଳାଉଛେ, ନହେଲେ ବମ୍ବେ ପଳାଉଛେ, ନହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଉଛେ, ନହେଲେ ଆମେରିକା ପଳାଉଛେ, ନହେଲେ ଆଫ୍ରିକା ୟୁରୋପ କେଉଁଠି ଗାଁ ପଳାଉଛେ, ଆମ କର୍ମଫଳ ବଦଳି ଯାଉଛେ, ଆମେ ସେଠି ଉପଭୋଗ ଅଧିକ ପାଇଲେ, କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ 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 କରି ଗତି କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ମିଳୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ, ତ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ, ତୁମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେଇଭଳି ପରିବାର ମିଳିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭଲ ପାଉନଥିବେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେଇଭଳି ଜଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁଟୁମ୍ବକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ଅସମ୍ମାନ କରିପାରିବେନି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନ ଭିତରେ ଖରାପ ଭାବନା ଆଣିପାରିବେନି। ଆପଣ କର୍ମର ଫଳ, ଆପଣ ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବ ସେମିତି ପତ୍ନୀ ମିଳିବ, ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିଥିବ ସେଭଳି ପୁରୁଷ ମିଳିବ, ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବି କନ୍ୟା ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ବାପା ମାଆ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆହୁରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କର୍ମଣା ବନ୍ଧୁ କଣ୍ଟକ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଟି ମିଳିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ, ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଭଲରେ ହାନିରେ ଲାଭରେ ସବୁଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ସେ ଧୀରେ ଚମ୍ପଟ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିବ, କ'ଣ ହେଲା ରେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ ସାଙ୍ଗ, ବେଳେ ସେ ତୁମ ପାଖ ତଳୁ ଏ ମୋର ସିଆଡ଼େ କାମ ଅଛି ରେ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ରେ, ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଡ଼ି ଗୋଟେ କୁଡ଼ି ଏକ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ବସିଥିବେ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଅସହଯୋଗ ବା ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାବାଲା ବହୁତ ବି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମିଳିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ନା ସ୍ୱକର୍ମଣା, ତୁମ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁକରି ଏ ସଂସାରରେ କର୍ମବନ୍ଧନ ବହୁତ ଦୃଢ଼, ଏ କର୍ମବନ୍ଧନକୁ କାଟିବା ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ପତିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ କହିଲେ ହେରେ ମା କି ହେବ କହୁନୁ, ସିଏ ତା'ର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ସିଏ ସେତିକି ଦିନରେ ମରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମରିବନି, ତୁ କାହିଁ ଆପଣ କହ, ତୁ କ'ଣ କରିପାରୁ କହ ନା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରି କହ, ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେବେ। ସେଠି ଯେ ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଳୋକ କହିଛନ୍ତି, ଏ କର୍ମବନ୍ଧନଟା କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ, କେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ସେ କହିଛନ୍ତି ହରି ସେବାମ୍ ବିନା ସାଧ୍ୱୀ ନ ଲଭେତ୍ କର୍ମ ଖଣ୍ଡନମ୍, ଶୁଭ କର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ବୀଜମ୍ ନରକମ୍ ଚ କୁକର୍ମତଃ। ଯମରାଜ କହିଲେ ହେ ସାଧ୍ୱୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବିନା କର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁଭ କର୍ମରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ କୁକର୍ମରୁ ନରକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଶୁଭ କର୍ମ କି ଅଶୁଭ କର୍ମ, କି ସ୍ୱର୍ଗ କି ନରକ, ଏସବୁର ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଇଏ ଆମର କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଖଣ୍ଡନ ହେବ କେତେବେଳେ, ହରି ସେବାମ୍ ବିନା ସାଧ୍ୱୀ, ହରି ସେବା ବିନା ଏସବୁ କର୍ମ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ହରିଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ହରି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆମର କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆମର କର୍ମଫଳ କେବେ ବି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ରଖିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେ ପିଲା ବି ବୁଝେଇଲି ଯେ ଦେଖ, ସେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତୁମେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି କରି ଚାଲ, ଆଉ କର୍ମଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼, ଆଉ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମକୁ କିଛି 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 ନା କିଛି ସ୍ୱ ମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ, ଆଉ ତୁମେ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ତୁମର ଭକ୍ତି କର, ତା ସହିତ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲ, ପାଠ ପଢ଼ି ଚାଲ, ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼, ତା ସହିତ ବି ଭକ୍ତି ବି କର, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବ ମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।